के बारे आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों का। राजनगर शहर में राष्ट्रवादी के नए कार्यकारिणी की वजह से पार्टी और कार्यकर्ताओं में जान आ गई। शहर में पार्टी ने गतिविधियां भी बढ़ाई है और रोज ही नए नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं आज राजनगर राष्ट्रवादी पार्टी ने कुछ कार्यकर्ताओं को पद दिया और महंगाई के खिलाफ तहसीलदार पर मोर्चा भी निकाला। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। उल्लासनगर शहर में राष्ट्रवादी की ताकत दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की मौजूदा जिला अध्यक्ष धामी मैडम का तेज तरार नेतृत्व राष्ट्रवादी पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। बता दें कि दो दिन पहले ही सीमा आहूजा ने पार्टी ज्वाइन किया था और आज उन्हें शहर उपाध्यक्ष की जवाबदारी भी दी गई है। दी हुई जवाबदारी पूरे मन से निभाने का वादा सीमा आहूजा ने किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में मैंने प्रवेश करके मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले तो मैं धामी मैडम का शुक्रिया मानती हूँ, शुक्रिया करती हूँ उनका, और उनके ही नेतृत्व के मैं उल्लासनगर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुझे उपाध्यक्ष का जो पद दिया है उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करूंगी। जवाबदारी बड़ी है लेकिन शुरुआत करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ने के लिए आपका भी सबका सपोर्ट लगेगा। वहीं आज के इस लॉकडाउन के दौर में आम जनता महंगाई से मर रही है। पेट्रोल डीजल और तो और अब खेत में लगने वाले खाद को भी मोदी सरकार ने महंगा कर दिया है। इसी के चलते आज उल्लासनगर राष्ट्रवादी शहर के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए तहसीलदार को निवेदन दिया है और महंगाई कम करने की मांग भी की है। आइए देखते हैं राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष हरकिरण धामी ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जल संपदा मंत्री श्री जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट हमारा आंदोलन और निषेध इस बात का है कि उन्होंने पहले ही, अभी थोड़े दिन पहले ही, जैसे आप सब लोग जानते ही हो कि पेट्रोल डीजल के भाव आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं और इस स्थिति में महंगाई की मार आम पब्लिक पे इतनी बढ़ती जा रही है, ऊपर से कोविड जैसी सिचुएशन में हैंडल करना बहुत टफ हो रहा है और इसके सब चलते एक और मार जो आम जनता पे और आप नागरिक पे भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने मारी है, वो है कि भाई उन्होंने मतलब ये खाद्य पदार्थ है जो उनके जो भाव है वो एकदम से बहुत बढ़ा दिए हैं। क्योंकि पहले ही किसान आंदोलन चलते हुए किसान बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, तो अभी खाद्य पदार्थों के भाव एकदम से बढ़े हैं। जैसे DAP का भाव एकदम से इंक्रीज 715 रुपये इंक्रीज कर दिया है, जो 1900 के आसपास पहुंच गया है, और 10-26 का भाव भी बहुत इंक्रीज हो गया है, उसकी बढ़ोतरी 600 रुपया की गई है, जो भी 1900 के आसपास पहुंच गया है। तो हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर जिला की तरफ से हम भारतीय जनता पार्टी के इस डिसीजन का, इस फैसले का पूरी तरह से निषेध करते हैं और हमारी उनके आगे मांग है कि भाई ये दरों में कटौती की जाए ताकि किसानों को थोड़ी राहत की सांस मिली जाए और पेट्रोल डीजल के भाव भी कम किए जाएं ताकि आम जनता राहत की सांस ले सके। खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ।